बात करेंगे सेक्टर 29 के 20 वार्ड के काउंसलर देवशाली जी से। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइएगा। शक्ति प्रकाश देवशाली, पार्षद वार्ड नंबर 20, नगर निगम चंडीगढ़। सर आपके वार्ड में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये सबसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। उसका अर्थ ये है कि दवाई तो आपको सरकार देती है, लेकिन जो कड़ाई है नियमों की पालना आपको स्वयं करनी है। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो मास्क पहन के निकले, आप साथ में सैनिटाइजर रखें, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ हाथ साफ कर लें उससे, और आप लोगों से दूरी बना कर रखें। ये सब चीज़ें तो आप खुद करनी है, आपको सरकार तो आपको दवाई उपलब्ध करवा सकती है। और हमने तो अपने सेक्टर में, सेक्टर जितने मकान हैं, हर घर में जाके हम मास्क बांट के आए हैं और उनको ये अनुरोध किया कि भाई साहब घर से बाहर तब मिलेंगे जब बहुत आवश्यक हो, और लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर घर में भी आप रहते हैं, आपको सुबह खांसी है, जुकाम है, एकदम से आप टेस्ट करवाएं। और इस सबसे जो है, क्योंकि इस सारी बीमारी का जो बचाव है वो खाली यही है, एक दूसरे से अगर बचाव रखोगे उसी में आपकी सुरक्षा होगी। सर आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी? अगर आएगी तो हमें कैसे क्या करना चाहिए इसके लिए, तीसरी लहर आने से पहले? तीसरी लहर के बारे में आज बहुत सारे समाचार पत्रों में आया है कि जो हमारे 2/3 जो पॉपुलेशन है उन सब में एंटीबॉडीज बनी हुई है, मतलब लगभग 135 करोड़ में से करीब करीब 45-40 करोड़ लोग हैं जो खतरे में हैं, बाकी सब लोग जो सेफ हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सरकार का जो टीकाकरण है बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग 40 करोड़ लोगों का अब तक टीकाकरण हो चुका है। जैसे हम जैसे लोग भी, हमने भी दो बार दोनों डोज हमने ले लिए हैं, और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो आपकी जान पर आफत नहीं आएगी, आप उससे बच जाओगे, बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। इसलिए तो लहर तो आने वाली है, सबको पता है, पूरी दुनिया में अगर आ गई है वो यहाँ भी पहुँचेगी पहुँचेगी, हम भी दुनिया के एक हिस्से में रहते हैं, लेकिन हमारा केवल इतना ही लक्ष्य है कि हम उससे बचाव रखें और जो लक्षण जैसे दिखते हैं तुरंत उसका इलाज करवाएं, और ये कोशिश करें कि हमसे कोई दूसरा संक्रमित न हो, समाज को बचाने का। सर जैसे कि प्रशासन ने एक नियम लागू किए थे कि जैसे गाड़ियों के आगे झंडे लगाए जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर कुछ स्टिकर वगैरह कुछ लिख दिया जाता है, तो इसके लिए चलान होता है, लेकिन फिर भी आजकल देखा जा रहा है कि ये गाड़ियों के ऊपर जो है हरे झंडे होते हैं या कोई भी झंडे होते हैं, कोई स्टिकर होता है लगा के, लोग ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्णतः जो पुलिस प्रशासन का मामला है, क्योंकि मेरे ख्याल मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप गाड़ी पर झंडा लगाए घूमें, और झंडा भी ऐसा जिससे आपका विजन जो है वो डिस्टर्ब होता हो, तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है कोई लगा रहे हैं तो इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है गाड़ी पर कोई स्टिकर कोई झंडा ये सब चीज़ें मना कर रखी है। अगर इसके बावजूद भी कोई लगा रहा है और अगर पुलिस रोक नहीं पा रही है तो कहीं ना कहीं जो है उसमें पुलिस की जो ढील देने की जा रही है और उनका कारण होता है। सर इस बारे जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, इस बारे में आपका क्या रणनीति है, आप क्या करना चाहेंगे इस बारे इलेक्शन में? राजनीतिक लोगों के दिमाग में चुनाव रणनीति हमेशा तैयार होती है, हम तो मौका ढूंढते हैं कब मौका मिले रणनीति को हम जो एग्जीक्यूट करें, इसमें कोई समस्या नहीं, आप रूटीन मैटर है, पार्टी के लिए रूटीन का काम होता है चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर इस बार आप जीत गए तो आप आपने क्या सोचा है जनता के लिए, अब आप आगे क्या करेंगे? जनता के लिए जो इस समय सबसे बड़ा काम जो करने वाला है वो तो यह है कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आएगा उस समय तीसरी लहर बहुत तेज होगी, तो हमें तो ये प्रयास करना है कि हम जब लोगों के घर तक जाएं उनके पास वोट मांगने जाएं तो साथ में ये जरूर हमको समझाएं कि भाई साहब कोरोना से बचिए, जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, इसलिए हम लोगों का यही है पहला लक्ष्य, ये है कि मेरा देश, मेरा शहर, मेरे लोग, मेरे वालों से सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ा काम। तो देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चंडीगढ़ से सूरज बहरा के साथ आरती जायसवाल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।